तो आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की। काफी किसानों को इसके विषय में जानकारी चाहिए थी। मैंने भी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका खाता है, मतलब आप उसका लाभ ले रहे हैं, तो वहां सरकार की तरफ से एक मैसेज भेजा जा रहा है। और ये मैसेज ये भेजा जा रहा है कि घर घर केसीसी अभियान चल रहा है, किसान क्रेडिट कार्ड, और उसके तहत आप अपना केसीसी बनवा सकते हैं। और इसके लिए आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, कितना खर्च आएगा, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड अपने खेत से लोन लेना चाहते हैं, खेत का अपने जो किसान क्रेडिट कार्ड बनता है वो बनवाना चाहते हैं, तो इसको बनवाने में कितना खर्च आता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। साथ साथ क्या क्या दस्तावेज लगते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए, इन टॉपिकों पर आज हम बात करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो हमारा वॉच कर रहे हैं ना, तो आपको और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है कि किसान क्रेडिट कार्ड कैसे बनवाना है, कितना खर्च आता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे, ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हेल्प हिंदी को तो जरूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड होता है क्या। काफी लोग ऐसे हैं जो वीडियो शायद पहली बार देख रहे हो, ना पता होने, तो मैं बताना चाहूंगा, अगर आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, अगर आपका खेत है, आपकी जमीन है, तो उस पर सरकार एक डॉक्यूमेंट बनवाती है जिस पर वो समय समय पर लोन दिया करती है। जैसे अगर आपके गांव से है, आपके पास 10 बीघे खेत है, और आपको उसका एक कार्ड बनवा देगी सरकार कि आपके पास 10 बीघे खेत है, उसको किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। और उस क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट बना दी जाती है, अगर 10 बीघे खेत है तो आपका हो सकता है 5 लाख की लिमिट बना दी जाए, 4 लाख की बना दी, डिपेंड करता है फसल पे। और इसके बाद आपको उतना लोन बैंक से आप ले सकते हैं बहुत ही कम ब्याज दरों में, और उसे फसल आने पर चुकता कर सकते हैं। तो आपको ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको भटकना नहीं पड़ता लोन लेने के लिए वगैरह। तो ये से बोलते हैं किसान क्रेडिट कार्ड। बात करते हैं इसको बनवाने में किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद बात करेंगे खर्च कितना है। तो अगर हम दस्तावेजों की बात करें तो मुख्यतः आपको सबसे पहले 4 दस्तावेजों की आवश्यकता होती। पहला तो किसान का आधार कार्ड होना चाहिए, इसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए, और पैन कार्ड होना चाहिए। और अब ये 3 इंपॉर्टेंट दस्तावेज हो गए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो वो चाहिए। इसके बाद 2 और बहुत ही मुख्य दस्तावेज होते हैं। पहला एक बैंक की तरफ से दस्तावेज बनता है जिसे 12 साला बोलते हैं दोस्तों। ये आप जब किसी भी बैंक से अपना केसीसी बनवाएंगे तो वो बनवाने के लिए बोलते हैं, वो बैंक में आपको एक फॉर्म वगैरह देंगे। जब भी आप केसीसी बनवाने जाएंगे, किसी भी बैंक में जाइएगा, सभी बैंक केसीसी बनवाती हैं, तो एक फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को ले जाकर आपको तहसील में जाना होता है, आपकी जो नजदीकी तहसील होगी, और उसमें 12 साला उसे बोला जाता है, 12 साला बनवाना होता है। तो 12 साला होता क्या है दोस्तों, हम वो बता देते हैं। 12 साला एक ये होता है, बैंक ये इंश्योर करता है कि आपने पहले से अपने खेत पर लोन तो नहीं ले रखा है। अब तहसील के पास सारी डिटेल होती है, आपके लेखपाल के पास सारी डिटेल होती है कि आपने अपनी खेती पर पहले से कोई लोन तो नहीं लिया है, इसलिए बैंक अपना इंश्योर करने के लिए 12 साल बनवाती है तहसील से। और वो 12 साल बनने के बाद एक दस्तावेज उसको हो जाता है। इसके बाद अगर सपोज दैट आपके खतौनी में 4 लोगों के नाम चढ़े हैं, मतलब आप 4 भाई हैं और सबके खाते में 4-4 बीघे 10-10 बीघे खेती है, तो हिस्सा बांट बनवाना पड़ता है, जो कि तहसील से वो भी बनता है। मतलब कि हिस्सा बांट मतलब ये होता है, अगर आपके खतौनी में 4 लोग हैं तो मतलब आपका 1/4 पर हक है, बाद बाकी जो हक है वो आपके भाइयों का है। तो 1/4 हिस्सा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स बनता है, उसको बोलते हैं हिस्सा बांट बोलते हैं दोस्तों। तो वो तहसील से बनवाना पड़ता है। तो 2 तहसील से बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं, एक 12 साला और एक हिस्सा बांट बनवाना पड़ता है। और आपको आधार, पैन और बैंक पासबुक, राशन कार्ड वगैरह ये तो आपको ऑलरेडी पहले से होने ही चाहिए। तो 2 मुख्यता जो तहसील से एक बैंक बनवाता है 12 साला और एक हिस्सा बांट बनवाना पड़ता है आपको तहसील से, ये 2 मुख्यता दस्तावेज होते हैं जो केसीसी बनवाने में लगते हैं। इसके बाद जिस बैंक से आप अपना केसीसी बनवाएंगे वहां पर आपके पास अकाउंट होना चाहिए, एक सेविंग अकाउंट, और इसके बाद वो 12 साला बनवा लेंगे और आपका हिस्सा बांट बनवा लेंगे। तो मुख्यता कितने दस्तावेज हो गए, 2 सबसे जो इंपॉर्टेंट दस्तावेज थे, एक 12 साला जो बैंक बनवाएगा, इसके बाद हिस्सा बांट जो आपको तहसील से बनवाना पड़ेगा, इसके बाद आप जिस बैंक से केसीसी लेना चाहते हैं वहां पर एक अकाउंट होना चाहिए, और आपके पास आधार कार्ड और आपके पास पैन कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये और होना चाहिए। तो मुख्यतः ये सारे दस्तावेज हो गए। अब बात करते हैं खर्च की, कि किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने में कितना पैसा लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जब बैंक आपका 12 साला बनवाता है तो उसको बनवाने में आपको तहसील में
1300 से लेकर 1500 रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। डिपेंड करता है दोस्तों कि आप किस वकील से बनवा रहे हैं, क्योंकि वकील की कुछ फीस अपना लेता है और उनकी भी फीस होती है। तो 1300 से 1500 रुपए लगभग में आपको 12 साला बनवाने में लगते हैं। वहीं बात करें हिस्सा बाट की, हिस्सा बाट भी एक टेढ़ा पीच है, पेच है, क्योंकि यहां पर अगर आपकी एक खतौनी है, मतलब आपकी एक जगह जमीन है तो एक खतौनी होगी, उसमें आपको बनवाने में हिस्सा बाट एक खतौनी के लगभग 1000 रुपए अप्रॉक्स लगता है दोस्तों। ये डिपेंड करता है वकील से कितने ढंग से बातचीत करते हैं, वो आपका पैसा कम भी कर सकता है। इसके बाद अगर आपकी खतौनी दो होती, मतलब आपकी दो जगह जमीन है, 4 बीघे इधर है, 4 बीघे कहीं और है, तो आपकी दो खतौनी होंगी, तो उसमें और 500 रुपए आपको एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। मतलब अगर एक खतौनी है तो 1000 रुपए हिस्सा बाट बनवाने में लगेगा, दो है तो लगभग 1500 लगेगा। अगर तीन खतौनी है तो थोड़ा ऐसे 2-2, 3-3 सौ रुपए वकील बढ़ाते जाते हैं फीस, ये डिपेंड करता है। तो लगभग 1500 रुपए आपका 12 साला बनवाने में, और अगर मैं एक खतौनी की बात करूं तो 1000 रुपए आपका हिस्सा बाट बनवाने में, तो 2500 रुपए ये आपका खर्च होता है। 2-300 रुपए आप और फोटोकॉपी वगैरह इनमें समझ लीजिए, अप्रॉक्स में 2500 से लेकर 3000 रुपए में आपका पूरे दस्तावेज सब कुछ बनकर रेडी हो जाएगा। बस अब आपको बैंक जाना है और केसीसी बनवा लेना है। केसीसी बनवाने में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता है, आपको बैंक जाकर ही कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, बैंक मैनेजर्स आपका सारा बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आपका पूरा डिटेल उनके पास होता है। आसानी से आपका केसीसी बन जाएगा, जितनी भी लिमिट बनेगी ना उसके अकॉर्डिंग आप कभी भी बैंक से लोन ले सकते हैं और उसे अपने हर फसल जमा कर सकते हैं। तो ये एक अपडेट बहुत ही बड़ा था, काफी लोगों का डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया। अब बात आती है कितनी लिमिट बनेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास 4 बीघे है तो कितने की लिमिट बनेगी केसीसी की, ये जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना देंगे किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कैसे तय की जाती है, आपके पास कितनी खेती है उस आधार पर आपका लिमिट बनेगा और उतना ही आपको सरकार लोन देगी। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो पर रखना चाहता हूं, अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। आज का जो टॉपिक था कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे वो मैंने बता दिया, 12 साल, हिस्सा बाट, आधार, पैन कार्ड, एक खाता होना चाहिए और आपके पास मोबाइल नंबर, राशन कार्ड वगैरह होना चाहिए। दस्तावेजों का खर्च लगभग 2500 से लेकर 3000 रुपए का खर्च आता है, ये डिपेंड करता है आपकी कितनी खतौनी है। तो ये पूरा अपडेट था, काफी लोग हमें कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर वीडियो जरूर बनाइएगा, तो मैंने पूरा तहसील से प्रॉपर चीजें पूछी, लोगों से पता किया, तब मैं आपको पूरी जानकारी दे दी। तो वीडियो अगर हमारा पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दे, कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।